पठान फिल्म के गाने बेशर्म रंग पर जमकर विवाद हो रहा है। गाने पर हिंदूवादी संगठन एतराज जता रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि बेशर्म रंग गाने में भगवा रंग को बेशर्म रंग बताया गया है। इस गाने में दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिकिनी पहनी है, इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। इस विवाद में अब भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी आमने सामने आ गई हैं। इस मामले में टीएमसी के नेता रिजू दत्ता ने स्मृति ईरानी का एक पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें स्मृति ईरानी ने भगवा रंग की ड्रेस पहनी हुई है। वीडियो साल 1998 के मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट का है। उन्होंने ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि बॉयकॉट स्क्वाड के नफरत फैलाने वाले बेवकूफ जो फिल्म में भगवा रंग की बिकिनी पर शाहरुख खान का बहिष्कार कर रहे हैं, उन्हें स्मृति ईरानी का भी बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 1998 में भगवा बिकिनी पहनी थी। लेकिन वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? दरअसल रिजु दत्ता ने बीजेपी के स्पीकर अमित मालवीय के एक ट्वीट के जवाब में स्मृति ईरानी का वीडियो ट्वीट किया था। अमित मालवीय ने कोलकाता फिल्म फेस्टिवल का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें सिंगर अरिजीत सिंह रंग दे तू मोहे गेरुआ गाना गा रहे हैं। अमित मालवीय ने ट्वीट में लिखा कि ये एहसासों की एक शाम थी, मिस्टर बच्चन से अरिजीत तक, जिन्होंने ममता बनर्जी को ये याद दिलाया कि बंगाल का भविष्य भगवा है। रिजु दत्ता ने ट्विटर पर लिखा कि क्या भगवा रंग भाजपा की निजी जायदाद है? इसके लिए उन्हें किसने हक दिया है? अगर वो दीपिका पादुकोण जैसी औरतों को भगवा रंग में अपनी पसंद के कपड़े पहनने के लिए गाली दे रहे हैं, तो उन्हें ये भी देखना चाहिए कि उनकी केंद्रीय मंत्री ने 1998 में भगवा रंग की ही बिकिनी पहनी थी। आपको बता दें कि पठान फिल्म के बेशर्म रंग गाने पर फिलहाल बवाल मचा हुआ है। इसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अहम किरदार में हैं। फिल्म का गाना बेशर्म रंग पहले ही रिलीज किया जा चुका है। गाने को काफी लोगों ने पसंद किया है, तो कई लोगों ने इस पर एतराज भी जताया है। कुछ लोगों का कहना है कि गाने को इस फिल्म से हटाया जाना चाहिए, वरना फिल्म का बहिष्कार यानी बॉयकॉट किया जाएगा। तो वहीं ट्विटर पर भी बॉयकॉट पठान का हैशटैग जमकर ट्रेंड कर रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि पठान फिल्म की क्रू और कास्ट किस फैसले पर पहुंचते हैं। क्या बेशर्म रंग गाने को इस फिल्म में बरकरार रखा जाना चाहिए या इसे हटा देना चाहिए, या आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और IBC 24 के यूट्यूब चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।